हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रकियोस्टमी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो इसका मतलब उनको समझना चाहिए कि ट्रकियोस्टमी होती क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रकियोस्टमी? तो ट्रकियोस्टमी बेसिकली मींस कि एक ट्रेकिया में हम लोग कोई स्टॉमी ओमी और मतलब कि स्टॉमी मतलब समझते हो, होल करना, ठीक है ना। तो ट्रेकिया में हम लोग होल करते हैं, तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो इंडिकेशंस मान लो कि कोई पेशेंट कोमा में चला गया, राइट। कोई पेशेंट कोमा में है, या उसको किसी पेशेंट को एस्पिरेशन हो रहा है, या कोई पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एआरडीएस का पेशेंट है, या कोई भी मान लो इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, ट्रॉमा है, वोकल कॉर्ड की पालची है ट्रेकियल रिंग के ऊपर, या मान लो ट्रेकियल रिंग का स्टेनोसिस हो गया है, या मान लो कि कोई भी चीज़, ठीक है ना, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, एस्पिरेशन, सक्शनिंग हो जाए सिक्रीशंस का, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी, कुछ भी, तो ये ले जा सकता है आपका ट्रकियोस्टमी की इंडिकेशंस की तरफ, ठीक है ना। तो ट्रकियोस्टमी एक बेसिकली जो कि आपका बीएलएस का एक प्रोसीजर है, दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रोसीजर है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जितने भी इंटर्न्स हैं या अपने एमबीबीएस वाले हैं, उनको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द प्रोसीजर, क्योंकि ये आपका जो कि क्लिनिशियन, एज इन अगर आप क्लिनिशियन बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है पेशेंट की जान बचाने के लिए, राइट, टू मेंटेन हिज रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, राइट। तो शुरू करते हैं। इट इज मेकिंग एन ओपनिंग, राइट। स्टोमा मतलब क्या होता है? ओपनिंग, ठीक है ना। तो इट इज मेकिंग एन ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया, कन्वर्टिंग इनटू स्टोमा ऑन द स्किन सर्फेस, राइट। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ट्रकियोस्टमी, राइट। तो इट इज मेकिंग एन ओपनिंग, ओपनिंग बनाना होता है इन द एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया। बेसिकली एंटीरियर वॉल की ट्रेकिया के पोस्टीरियर से तो अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा होता है, राइट। तो एंटीरियर ही वॉल से अप्रोच करेंगे। पहले क्या आता है? ट्रेकिया आता है, फिर ओसियोफेगस आता है, फिर वर्टिब्रा आता है, राइट। टी ओ वी करके जो हमने पढ़ा था अपनी एनाटॉमी की क्लासेस के लिए, राइट। तो इट इज मेकिंग एन ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया, कन्वर्टिंग इनटू स्टोमा ऑन द स्किन सरफेस, राइट। तो फंक्शंस के देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस ये प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल्सो यूज एज अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीदिंग। ये अल्टरनेटिव पाथवे बनाता है ब्रीदिंग के लिए। इम्प्रूव्स एल्वियोलर वेंटिलेशन। आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, आई होप यू डोंट माइंड ऑन दिस, राइट। तो अल्टरनेटिव पाथवे के लिए मतलब फॉर ब्रीदिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इम्प्रूव्स एल्वियोलर वेंटिलेशन, या एल्वियोलर वेंटिलेशन को इम्प्रूव करता है। डेड स्पेस बाय 30-50% को ही कम करता है, राइट। तो क्या करना है? अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ब्रीदिंग है एज इन ट्रकियोस्टमी जो है, ठीक है ना। एल्वियोलर वेंटिलेशन ने बढ़ाया, एल्वियोलर वेंटिलेशन जो कि अपना उसको ज़्यादा मतलब कि एयर पहुँचाना है एल्वियोलाई को, ठीक है। डेड स्पेस को 30-50% तक कम किया, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो ये किया, रेजिस्टेंस मतलब कराएगा एयर फ्लो के लिए, डिक्रीज रेजिस्टेंस कराएगा, ताकि जैसे स्टेनोसिस वगैरह हो गया तो ट्रकियोस्टमी ट्यूब तभी ना डालते हैं, ताकि रेजिस्टेंस जो अपना कम हो जाए, क्योंकि सक्शनिंग एस्पिरेशन के कारण से जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करना है हमको। प्रोटेक्ट्स द एयर वे, एयरवे को प्रोटेक्ट करता है बाय यूजिंग कफ ट्यूब। ट्रैकियोब्रोंकल ट्री इज प्रोटेक्टेड। कफ ट्यूब के द्वारा हम लोग ट्रैकियोब्रोंकल ट्री को भी मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो अगेंस्ट एस्पिरेशन ऑफ फेरेंजियल सेक्रेशन एंड ब्लड, कोई एस्पिरेशन हो गया उसके अगेंस्ट अगर इनको प्रोटेक्ट करना है तो इसका यूज करते हैं, ऑब्वियसली चीज है। परमिट्स रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकल सेक्रेशन, ये ट्रैकियोब्रोंकल सेक्रेशन की रिमूवल को परमिट करता है। इंटरमीटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, IPPR प्रोवाइड करता है, जो कि पॉजिटिव जो कि आप लोग देखते हो ना, मतलब अगर IPPR जो है 72 घंटे से ज़्यादा के लिए चाहिए, तो ट्रकियोस्टमी हम लोग प्रेफर करते हैं इंट्यूबेशन की जगह। इंट्यूबेशन भी करते हैं, इंट्यूबेशन इज नॉट मतलब कि बहुत देर तक हम लोग इंट्यूबेट नहीं करते, अदरवाइज एस्पिरेशन का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है इंट्यूबेशन के केसेस में, इसलिए ट्रकियोस्टमी हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर केसेस में, राइट। अगर 72 घंटे से ज़्यादा का, 3 दिनों से ज़्यादा का अगर मतलब कि पॉजिटिव प्रेशर हमको देना है, पॉजिटिव प्रेशर उस केसेस में देते हैं जैसे COPD के केसेस में, RDS के पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के देने काम आएगा। तो क्या क्या हम लोग का यूज हुआ एक बार फिर से देखेंगे। अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट द एयरवे को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव्स एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब कि डेड स्पेस को कम करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, और परमिट्स रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकल सेक्रीशंस, ये ट्रैकियोब्रोंकल सेक्रीशंस को रिमूव करने काम आता है। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर देता है और एनेस्थीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन के काम आता है, ठीक है ना। तो इंडिकेशंस की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझना होगा। तो इसका एक मेमोनिक है, ऑक्यूपाई मोस्ट सीट्स इन मेडिकल एसोसिएशन। तो ऑक्यूपाई से क्या होगा, जो कि ऑक्यूपाई से मतलब समझ लो कि ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन हम किसके कारण, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कुछ भी, ठीक है ना। तो वोकल कॉर्ड की पालसी हो गई। अब ट्रैकियल रिंग, ट्रैकियल रिंग कौन सा, T2, T3, T4 के ऊपर, ठीक है ना। T1 तो जस्ट क्रिकॉइड के जस्ट नीचे होता है,
तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अबव द लेवल मतलब कि उसी के लिए ज़्यादा दिक्कत है। तो T2, T3, T4 के ऊपर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर हो गया या वोकल कॉर्ड की पाल्सी हो गई, बैक इन एम से आएगा आपका ओ से हो गया, एम से आएगा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मैकेनिकल की वेंटिलेशन प्रोलॉन्ग करना है आपको, तो अपना गुलेन बारेन सिंड्रोम में हम लोग को प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन देना होता है, सर्वाइकल स्पाइन का इन्फेक्शन हो गया क्योंकि पेशेंट हमेशा लेटा हुआ रहता है, COPD के केसेस में या DS के पेशेंट में हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन या कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो देते हैं IPPR वाला, ठीक है ना। S से आपका सीट से तुम्हारा सेक्रीशंस के कारण से, सेक्रीशंस के अगर जो सेक्रीशंस जो है एस्पिरेट कर जा रहे हैं तो उसके लिए हमको ट्रकियोस्टोमी लगाना होगा। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो रही है किसी भी बंदे की, ठीक है ना, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो रही तो हम लोग मतलब कि वो वाला एरिया जो होता है कॉम्प्रोमाइज होता है तो सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग ट्रकियोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं। प्रिवेंट एस्पिरेशन, तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है तो बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी में आप लोग जानते हो कि पूरे वोकल कॉर्ड जो है वो ऐसे अडक कर जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसे अडक नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी में, राइट। तो हमको क्या होता है कि अगर पूरा बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी हो गया किसी भी बंदे का, बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी, तो अडक करके सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ हुआ था हाँ, सांस लेने में तकलीफ हुआ, एडक्टर पाल्सी हो गई तो कैडेवरिक पोजीशन में चला जाएगा और एस्पिरेशन में मतलब कि हो जाएगा, तो बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी में एस्पिरेशन प्रिवेंट करना है इसलिए ट्रकियोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं। यार तबीयत बहुत खराब है मौसम ही ऐसा है, ठंडे में गर्म, ठंडा गर्म, साला तबीयत ही खराब हो जा रही है, राइट, होता रहता है यार, क्या ही कर सकता है आदमी, इंसान है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो ये देख लो यार, ऑक्यूपाई मोस्ट सीट इन मेडिकल एसोसिएशन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स की, तो टाइप्स में क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। तो एक तो समझ लो कि इमरजेंसी ट्रकियोस्टमी होता है, व्हाट इज इमरजेंसी ट्रकियोस्टमी, किसी भी जैसे मान लो कोई भी, ठीक है ना, व्हाट इज इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी एज इन जहाँ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब कंप्लीट एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा किसी भी बंदे को, राइट, किसी भी बंदे को कंप्लीट एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब डालेंगे, क्योंकि वो क्या करता है, वेंटिलेशन को प्रमोट करता है, डिक्रीज डेड स्पेस एरिया वॉल्यूम, मतलब कि ठीक है, डिक्रीज डेड स्पेस वॉल्यूम ऑब्वियसली, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को कम करता है, पॉजिटिव प्रेशर देता है और अपना जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है उसको कम करता है, तो इसलिए हम लोग इमरजेंसी ट्रकियोस्टोमी करते हैं, मतलब कि जहाँ पे भी कंप्लीट एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, राइट। यही तो करता था यहाँ पे, देखो जैसे अल्टरनेटिव पाथवे देता है, मतलब कि इम्प्रूव्स एल्वियोलर वेंटिलेशन कराता है, प्रोटेक्ट करता है एयरवे को, ठीक है ना। तो यही सब अगर इमरजेंसी में नहीं देंगे तो कहाँ देंगे ट्रकियोस्टोमी, ट्रकियोस्टोमी का सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है इमरजेंसी है, राइट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, इलेक्टिव ट्रकियोस्टोमी, इलेक्टिव ट्रकियोस्टोमी कब करते हैं हम लोग। अब देखो इलेक्टिव मतलब क्या होता है कि प्लान्ड, ठीक है ना, तो प्लान्ड होता है, अनहरीड प्रोसीजर, ऑफन ट्रकियोस्टोमी इज क्लोज्ड व्हेन इंडिकेशन इज ओवर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज प्लानिंग करते हैं तो उसी को इलेक्टिव कहते हैं, ठीक है, तो प्लान्ड होता है और अनहरीड होता है, हरी में नहीं होते क्योंकि इमरजेंसी वाले केस में हरी में होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बायलेटरल कंप्लीट मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। प्लान्ड में क्या होता है, प्लान्ड होता है ये अनहरीड प्रोसीजर होता है, हरीड नहीं करते हैं इसमें, ऑफन टेम्प्रोरी, ये टेम्प्रोरी प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, मतलब कि इंडिकेशन के बाद इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्लोज व्हेन इंडिकेशन इज ओवर। तो कैसे कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, थेरेप्यूटिक और प्रोफाइलेक्टिक। थेरेप्यूटिक इसलिए क्योंकि वहाँ पे मरीज को सच में जरूरत है, प्रोफाइलेक्टिक इसलिए बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो हम लोग ट्रकियोस्टोमी ट्यूब हमारा सिक्योर्ड है, ठीक है ना। परमानेंट ट्रकियोस्टोमी इन केसेस ऑफ बायलेटरल अबडक्टर पॉलिसी, ठीक है ना, मान लो कि वोकल कॉर्ड की कंप्लीट पाल्सी होगी जो कि सुपीरियर लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, आपने सुना होगा कि बायलेटरल कंप्लीट पाल्सी हो जाता है तो अडक्टर पाल्सी हो जाता है। अडक्टर पाल्सी में क्या होगा कि दोनों जो वोकल कॉर्ड है आपस में आके ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे चिपक जाते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना, चिपक गए तो क्या होगा, तो चिपक गए तो फिर भैया हमको ट्रकियोस्टोमी तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि हमेशा वो तो पैरालाइज हो गया तो लेंजियोस्टेनोसिस हो जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई अबव द लेवल ऑफ थायराइड स्टमस के लेवल पे हम लोग ये ट्रकियोस्टोमी डाल देते हैं, मिड में डालते हैं, प्रीफर्ड वन इज डन थ्रू सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग, ठीक है ना, लो डन बिलो द लेवल ऑफ स्टमस, ठीक है ना। तो समझ रहे हो कि अबव द लेवल ऑफ थायराइड स्टमस डालेंगे, बिलो द लेवल ऑफ स्टमस डालेंगे लो में, और मिड में सेकेंड और थर्ड को मतलब कि डन थ्रू सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, प्रीफर्ड होता है मिड वाला। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक में क्या क्या आएगा, ठीक है, रोजेस पोजीशन आएगा, रोजेस पोजीशन समझ लो, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का जो है
एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है ना। जो बंदा मान लो कोई लेटा है उसका सर पीछे से कर दो, तो इस तरह के पोजीशन कुछ होता है, रोज पोजीशन। इमरजेंसी के केसेस में वर्टिकल इंसीजन देते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता, ठीक है ना, तो वर्टिकल इंसीजन दे देते हैं। इसलिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक वर्टिकल इंसीजन देते हैं हम लोग, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। वर्टिकल इंसीजन बिटवीन क्रिकॉइड एंड सुप्रा स्टर्नल, बिलो द क्रिकॉइड एंड सुप्रा स्टर्नल नॉच के बीच में हम लोग इंसीजन देते हैं वर्टिकल वाला। और एक हॉरिजॉन्टल इंसीजन देते हैं, हॉरिजॉन्टल इंसीजन स्क्रीन क्रीज पे देते हैं, इंसीजन पे होता है, और 2.5 सेंटीमीटर अबव द सुप्रा स्टर्नल नॉच देते हैं। सुप्रा स्टर्नल नॉच यहाँ पे ये होता है, ये वाला एरिया, मान लो ये वाला एरिया जो है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा है, स्टर्नम है इसका, सुप्रा स्टर्नल नॉच होता है ना, और इधर ही ना कहीं क्रिकॉइड होगा। तो यहाँ पे मान लो कि अगर ऐसे दिया तो वर्टिकल इंसीजन, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर दिया तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंसीजन। तो इमरजेंसी वाले में वर्टिकल प्रेफर करते हैं बिकॉज वहाँ पे इतना सोचने का टाइम नहीं रहता। एनेस्थीशिया, एनेस्थीशिया क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड अनकॉन्शियस पेशेंट या इमरजेंसी पेशेंट में, जैसे मतलब नहीं उतना रिक्वायरमेंट होता क्योंकि छोटा सा इंसीजन देना है, खट से इंसीजन देके ट्रकियोस्टोमी ट्यूब डालना है, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड होता है अनकॉन्शियस पेशेंट में। लेकिन अगर पेशेंट जो है बहुत ही कॉन्शियस है, मतलब बहुत डरा हुआ है, तो हम लोग 1-2% लिग्नोकेन देते हैं विद इपिनेफ्रिन इज इंफिल्ट्रेटेड लाइन ऑफ इंसीजन, ठीक है ना। तो 1-2% लिग्नोकेन से अपना काम हो जाता है। इपिनेफ्रिन क्यों देते हैं प्रोलॉन्ग, मतलब कि वो ड्यूरेशन वाला के केसेस में, इन्फिल्ट्रेटेड इन द लाइन ऑफ इंसीजन, ठीक है ना, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर भी थोड़ा ये सब भी इफेक्ट करता है, ठीक। स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन क्या क्या स्टेप्स है देख लो यार। पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंडेड, तो वो रोजेस पोजीशन अचीव कर लिया आप। आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया 1.5 इंच 5 सेंटीमीटर वर्टिकल इंसीजन इज गिवन बिलो क्रिकॉइड इन मिड लाइन। बिलो क्रिकॉइड 5 सेंटीमीटर का इंसीजन दोगे, ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर का इंसीजन दिया बिल्कुल लोग रिक्वायर्ड। ये कौन सा इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है ना, इमरजेंसी के केस में वर्टिकल इंसीजन हम लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज उतना सोचने का टाइम ही रहता है। हम लोग खर्च वर्टिकल मारेंगे और डालेंगे ट्रकियोस्टोमी ट्यूब, इतना सोचेंगे थोड़ी ना कि 2.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे स्केल से जाके, ठीक है ना। आदमी मरने मरने की स्थिति में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, आदमी पेशेंट मर गया कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है ना। ये तो ऐसी ही बात होगी कि भैया पूरा हम लोग एक छोटा सा प्रोसीजर करने के लिए एक आदमी की जान कुर्बान कर दिए कि हाँ भैया हमने तो परफेक्शन से किया। तो यार मेडिकल साइंस में कोई चीज़ परफेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना आना चाहिए। अगर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए तो आप गए, ठीक है ना, तो आप डॉक्टर नहीं हो, तो ठीक है ना। तो डॉक्टर में एक चीज़ खास होती है, उसका इंजीनियर दिमाग होना चाहिए और पढ़ाई जो है डॉक्टर वाली होनी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। इंजीनियर नहीं बनोगे तो भैया डॉक्टर भी नहीं सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। इंजीनियर कैसे काम करते हैं, हरी में, ऑलवेज दे आर ऑलवेज इन हरी, ठीक है ना, उनने दिमाग लगाना है फट से। तो डॉक्टरी में ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं लगाना है, कि मैथ नहीं आती तो दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग आपके पास ज़्यादा है, ठीक है ना, दिमाग का यूज़ करो, ठीक है ना। अगर टाइम पे अगर यूज़ नहीं करोगे ना, तो अगर पेशेंट की जान खो बैठा तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है ना। हमेशा मतलब कि हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिक नहीं करो, थोड़ा सा एकदम अपना प्रोसीजर लाओ कि हाँ चलो ये करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, ये इससे क्या हो सकता है, ठीक है ना, इतना सोचो यार। क्योंकि देखो जिस बंदे ने किताब भी लिखी है ना, तो वो भी मतलब कि पहले उसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऐसा नहीं है कि उसको आता था, वो पैदा हुआ था पेट से जन्म के आया था कि हाँ भाई हमको ये करना है, पेशेंट पे अप्लाई करना है। उसने भी धीरे धीरे जो उसके एक्सपीरियंस होंगे उसके ऊपर किताब लिखी है। तो तुम्हें अपना एक्सपीरियंसेस के ऊपर अपनी ही प्रैक्टिस बनानी है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस तो ये तो छोटा फर्जी का ज्ञान हो गया, ठीक है, सुन लो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, जब लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, स्किन के वर्टिकल इंसीजन मार दी, तो स्किन और प्लेटिज्मा दिखेंगे। सबसे पहले प्लेटिज्मा जो कि नेक फेशिया होती है, स्किन प्लेटिज्मा दिखी, डीप फेशिया दिखी एंड प्रीट्रेकियल फेशिया को हम लोग को डिवाइड करना है। स्किन प्लेटिज्मा, डीप फेशिया और प्रीट्रेकियल फेशिया समझ ही रहे हो। इस्थमस ऑफ थायराइड इज डिवाइडेड बिटवीन लाइगेचियस, इस्थमस ऑफ थायराइड को भी हम लोग को डिवाइड करना होगा। क्रिकॉइड हुक यूज्ड टू लिप एंड स्टेबलाइज ट्रेकिया, जो अपनी क्रिकॉइड है जो कि थायराइड के जस्ट नीचे होती है, उसके हुक को हम लोग को लिफ्ट करना है ताकि हम लोग का जो ट्रेकिया है वो स्टेबलाइज हो चुके, ठीक है ना। ट्रेकिया जो है क्रिकॉइड के नीचे ही आता है ना। सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स आर डिवाइडेड विद अ नाइफ, सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रेकियल रिंग को हम लोग डिवाइड करते, क्यों हम लोग फर्स्ट को नहीं करते, ठीक है ना। ये पूछते हैं एग्जामिनर, क्यों हम लोग फर्स्ट को नहीं डिवाइड करते, बिकॉज इट लीड्स टू केसेस ऑफ स्टिनोसिस, राइट, ट्रेकियल स्टिनोसिस का केस बना सकता है वो। हम लोग उसको भी डिवाइड करते लेकिन वो केवल लेनिंजियल कार्सिनोमा में, वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर के लिए हो गया, ठीक है। तो ट्रेकियल वुंड इज डायलेटेड विद ट्रेकियल डायलेटर, ट्रेकियल जो वुंड है, हमने जो वुंड बनाया है एक तरीके से, वो ट्रेकियल डायलेटर से डायलेट करेंगे। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अब डालेंगे और कर्व को इन्फ्लेट कर देंगे। ट्यूब इज फिक्स्ड अराउंड द नेक विद टेप्स, जो हम लोग का ट्यूब है अब उसको टेप के थ्रू बांध देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा प्रोसीजर रहा कि कैसे, पहले क्या करेंगे, पहले तो स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे हम लोग रोजेस पोजीशन पे लेटा देंगे,
ठीक है ना। और आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वर्टिकल इंसीजन देंगे। वर्टिकल इंसीजन के बाद क्या करना है अपने को, वर्टिकल इंसीजन के बाद स्किन प्लेटिज्मा डीप फेशिया प्री ट्रिकियल फेशिया को डिवाइड करेंगे, फिर अपना जो है इस्थमस ऑफ थायराइड को भी डिवाइड करेंगे, क्रिकॉइड हुक्स को ऊपर उठाएंगे और मतलब कि स्टेबलाइज करेंगे ट्रेकिया को, सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्रेकियल रिंग को डिवाइड करेंगे और ट्रेकियल डायलेटर से फिर ट्रेकिया को डायलेट करेंगे, फिर उसके बाद ट्यूब डालेंगे और ट्यूब इज फिक्स्ड, ट्यूब को फिक्स करेंगे विद टेप के साथ, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है, कांस्टेंट सुपरविजन करना है हमें, ठीक है ना। ताकि ये देखो ये सब काम जो है एनेस्थीसिया वाले करते हैं, ठीक है ना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो कांस्टेंट सुपरविजन देना है, सक्शन देना है, क्रस्टिंग ना हो, ट्रकियाइटिस ना हो बंदे को, कि ट्रेकिया में ही कोई इन्फ्लेमेशन ना होने लगे, क्रस्टिंग ना हो, सक्शन करना है, कांस्टेंट सुपरविजन में रखना है, केयर ऑफ ट्रकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब का केयर रखना है, डीकैन्युलेशन करना है। तो ये सब काम हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव केयर में करेंगे। तो वो होता है कॉन्स्टेंट सुपरविजन के अंदर, ट्रेकियोस्टमी मतलब के पोस्ट ऑपरेटिव में कॉन्स्टेंट सुपरविजन, सक्शन, प्रिवेंट क्रस्टिंग एंड ट्रेकियाइटिस, और केयर ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के केयर के लिए हमने करना है, ठीक है ना, ये सब काम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने इसकी कॉमन इंडिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टमी इन इन्फेंट्स। तो इंडिकेशंस एक जनरल में बता चुका था, अब ये इसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक सुन लो। इन्फेंट्स मोस्टली कंजेनाइटल में होता है, जो कि सब ग्लॉटिक हैमरेज हो गया, ठीक है ना, सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस हो गया, लैरिंजियल सिस्ट हो गया, सुनने सुनने वाली बात है, ग्लॉटिक वेब हो गया, बाइलेटरल वोकल कॉर्ड पालसीज, पैरालिसिस, सब समझाने वाला कुछ है नहीं, सब जानते हो यार। अगर हैमरेज हो गया तब भी डालना होगा, ग्लॉटिक स्टेनोसिस हो गया तब भी डालेंगे, लैरिंजियल सिस्ट होगा तब भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना, ग्लॉटिक वेब हो गया तब भी डालेंगे, बाइलेटरल को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में वोकल कॉर्ड अबडक्ट हुआ तो भी डालना पड़ेगा। चिल्ड्रेन मोस्टली इन्फ्लेमेटरी एंड ट्रोमेटिक केसेस में होता है, तो एक्यूट लेरिंगियल ट्रंकियो ब्रोंकाइटिस, क्या नाम लग रहा है, कितना बढ़िया नाम है, ठीक है, किसी नॉन मेडिकल वाले से ये बता दो आपको लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हुआ है, वो तो ऐसे मर जाएगा आदमी, ठीक है ना। तो ये याद रखो कि बच्चों में क्या हो सकता है, एक्यूट लेरिंगियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इपिग्लॉटाइटिस के केसेस में भी दे सकते हैं, डिप्थेरिया, लेरिंजियल इडीमा, एक्सटर्नल लेरिंजियल ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन, जुनाइल लेरिंजियल पैपिलोमेटोसिस, जो कि एचपीवी वायरस से होता है, ये सब, ठीक है ना, ये सब जानते हो यार, ये सब इसमें कोई ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं, रटने लो, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या, हाँ कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे। तो एक इसका निमोनिक है, हैप्पी, एच ए पी आई, हैप्पी से याद कर लो, एच ए पी आई से ऐसे याद कर सकते हो, अगर याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो एच से हेमरेज याद कर लो, ए से एपनिया याद कर लो, एपनिया हो जाएगा, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर एपनिया हो गया तो कार्बोजन से ट्रीट करते हैं, कार्बोजन, कार्बोजन क्या होता है, 95% ऑक्सीजन और 5% CO2, ठीक है ना। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ परफोरेशन में क्या करेंगे, हैप्पी लगा देंगे, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन वाले मतलब कि सॉरी मतलब कि कॉम्प्लिकेशन में एट द टाइम ऑफ परफोरेशन क्या होगा, हैप्पी हो जाएंगे हम, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अरे हैप्पी तो नहीं होंगे, मतलब हेमरेज मतलब कि हेमरेज के केसेस में, एस्पिरेशन एपनिया के केसेस में, परफोरेशन के न्यूमोथोरेक्स के केसेस में, और मतलब कि न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, बेसिकली परफोरेशन हो जाएगा, डाउल और ट्रकियोस्टोमी ट्यूब, मान लो कि बच्चे का थोड़ा सा लंग ऊपर है तो वो जाके वहाँ परफोरेट कर गया, तो भैया पूरा वो दिक्कत कर गया, वो एयर आ गया वहाँ पे, न्यूमोथोरेक्स हो गया बंदे को। और कुछ भी डालते हो बॉडी में कहीं भी, कुछ भी इंजरी का चांसेस तो होता है, इंजरी हो जाए टू लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व की या ट्रेकियो इसोफेगस की, ठीक है ना, तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वो तो लेट कॉम्प्लिकेशंस लेकिन होंगी। इंटरमीडिएट में क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स टू डेज, ठीक है ना, कुछ घंटे से कुछ दिन तक ब्लीडिंग से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, ट्यूब ही डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है ना, इसका तुम्हारा ब्लॉकिंग हो जाए, ब्लॉकिंग हो जाए ट्यूब की, सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा हो जाए बंदे को, ट्रेकियाइटिस, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस विद क्रस्टिंग, एटिलेक्टेसिस हो जाए बंदे को, राइट, या लोकल वाउंड का इन्फेक्शन या ग्रैनुलेशन हो जाए। तो ये सब की केसेस के इंटरमीडिएट कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि देख लो, याद कर लो, अगर याद होता है तो बढ़िया, नहीं याद होता है कोई बात नहीं। लेट में क्या हो गया, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ट्यूब फॉर वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है ना, तो क्या होगा, ट्रकियोसोफिजियल फिस्टुला जाके अंदर घुस गया इसोफेगस में, ट्रेकियल स्टिनोसिस हो जाएगी, मान लो कि सीवन को भी दिक्कत हो गया तो ट्रेकियल जाके स्टिनोसिस हो जाएगा, स्टिनोसिस होगा दिक्कत हो जाएगा, लेरिंजियल स्टिनोसिस होता है, लेरिंजियल स्टिनोसिस के केसेस में भी हम लोग ये लेट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, प्रॉब्लम ऑफ डीकैन्युलेशन स्पेशली इन इन्फेंट्स, और हेमरेज ड्यू टू इरोजन ऑफ मेजर वेसल्स, राइट। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दो तरह की ट्रकियोस्टोमी ट्यूब, जो कि एक होती है जैक्सन्स और एक होता है पॉर्टेक्स, ठीक है ना।
तो जैक्सन्स मेटालिक ट्यूब में क्या है, इट इज अ आउटर एंड इनर ट्यूब। इसमें दो ट्यूब्स होते हैं, आउटर और एक इनर, इजियर टू यूज होता है। जैसे मान लो कि ये मेरा आउटर ट्यूब है, राइट, दिस इज माई लुक, दिस इज माई आउटर ट्यूब, दिस इज माई इनर ट्यूब। तो इसके अंदर हम लोग पहले तो एक हम लोग छेद करके, और ये मान लो कि ये जो पेज है ये हमारा ट्रेकिया का एंटीरियर बॉर्डर, हमने इसके ऊपर रख दिया। हम अब हमारा जो इंसीजन मार के ये हमने एक पहला ट्यूब डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एयरवे को देने के लिए हम लोग दूसरा ट्यूब लगाते हैं, ये वाला ट्यूब, ठीक है ना। तो ये वाला ट्यूब ऐसे ऐसे मतलब कि मूव कर सकता है, ये निकाल लिया ये डाल दिया, ये निकाल लिया ये डाल दिया। अब इसका क्या फायदा है, अभी इसका फायदा देखने की कोशिश करो, राइट। तो इट इज़ अ आउटर एंड इनर ट्यूब, इजियर टू यूज होता है। इनर ट्यूब कैन बी टेकन आउट एंड क्लीन, ठीक है ना। मान लो ये आउटर ट्यूब है, ये इनर ट्यूब है। अब हम लोग मान लो कि हमको क्लीन करना है इस सरफेस को, तो हमने ये ट्यूब निकाला, अब इसी ट्यूब को हमने क्लीन कर लिया, राइट। तो ये हो सकता है, इनर ट्यूब कैन बी टेकन आउट एंड वॉश क्लीन्ड, इंक्रीज प्रेशर और ट्रैकिया। इसका क्या दिक्कत होता था कि जाता था क्योंकि मेटल का बना हुआ होता था, ठीक है ना, मेटेलिक ट्यूब है। तो जाके क्या कर सकता था कि प्रेशर स्कीम प्रेशर डालता था, तो प्रेशर से क्या होता है, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के कारण क्या हो जाता था, ट्रैकियल स्टेनोसिस हो जाता था। तो ये एक इसका कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक पोटिक्स, लास्ट टॉपिक है आपका पोटिक्स कफ, पोटिक्स कफ ट्यूब। ये जो कि जैक्सन मेटेलिक ट्यूब से जो है ये अच्छा होता था, तभी इसका कुछ आविष्कार आया। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहते हैं लोग। तो इनिशियली कफ ट्यूब्स हाई वॉल्यूम लो प्रेशर टाइट सील, ठीक है ना, ये होता है हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम, ठीक है ना। एक रिलेशन सुना होगा आपने, पी इक्वल्स टू वन इनवर्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन सुना होगा, जैसे कि जो ग्राफ बनाते थे अपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अरे कौन सा लिक्विड गैसेस वाला कुछ चैप्टर पढ़ते थे ना हम लोग, ठीक है ना, उसमें तो उसमें दिया होगा कि अरे कौन सा चैप्टर था, बहुत ही सुंदर चैप्टर था, उसी में सबसे ज़्यादा स्कोर करते थे हम लोग, ठीक है ना। तो पी इनवर्स रिलेशन टू वन बाई वी होता था, ठीक है ना। तो इनिशियली कफ्ड ट्यूब्स होते हैं, तो हाई वॉल्यूम होगा तो लो प्रेशर होगा, टाइट सील होगा, ठीक है ना। टाइट सील होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, लो प्रेशर टाइट सील इज यूज, तो हम लोग ये कफ ट्यूब्स इसलिए यूज करते हैं। नो रिस्क ऑफ नेक्रोसिस और स्टेनोसिस का रिस्क नहीं है, इसलिए हम लोग जैक्सन ट्यूब के ऊपर प्रेफर करते हैं। 3 डेज चेंज विद नॉन कफ ट्यूब, इसको 3 दिन बाद नॉन कफ ट्यूब के साथ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये रही कुछ आपकी ट्रिकियोस्टोमी के ऊपर ज्ञान, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ और जान लो, एक चीज़ थोड़ा सा और जान लो, अगर अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान सुन लो, अगर सुनने का मन हो सुन लो, नहीं तो आपका इतने पे कंप्लीट हो जाता है, सुन लो, ये अच्छा है, ये बढ़िया ज्ञान है। रिमूवल ऑफ ट्यूब कब करते हैं, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ ट्यूब कब करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, कैसे अब ट्यूब को कब हटाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मान लो कि हमने ट्यूब तो डाल दिया, अब हटाना कब है, कोई टीचर पूछ सकता है ना कि अगर भैया तुमने ट्रिकियोस्टोमी ट्यूब डाल दिया, अब हटाओगे कब उसको, कैसे हटाओगे। तो अब क्या होता है ना कि जो अपना पेशेंट होता है, पेशेंट में क्या होता है, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि डिक्रीज डेड स्पेस मतलब कि कुछ 30% पे होता है, ठीक है ना। ट्रिकियोस्टोमी ट्यूब ट्रेकिओस्टोमी ट्यूब रिड्यूसेस डेड स्पेस बाय 30-50%, ये 30-50% तक ये डेड स्पेस को कम कर देता है, राइट। अब क्या होगा, इससे जो है पेशेंट जो है ये क्या होता है, गेट्स यूज टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट, उसको अब इस चीज़ की आदत पड़ गई है, ठीक है। अब उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं है भाई, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से हवा चली जा रही है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आईपीपीवी दे रहे हैं, मतलब कि इनकेस मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इंक्रीज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। अब हमें टेस्ट करना है कि टेस्ट इफ द पेशेंट कैन ब्रीथ नॉर्मली, तो क्या करेंगे हम लोग, एक फेनेस्ट्रा बनाते हैं। फेनेस्ट्रा मतलब ट्यूब या ओपनिंग, फेनेस्ट्रा ओपनिंग मेड एट द बेंड ऑफ ट्यूब, मेड एट द बेंड ऑफ ट्यूब, एक फेनेस्ट्रा या ओपनिंग बनाते हैं मेड एट द बेंड ऑफ ट्यूब, और एक्सटर्नल ओपनिंग को हम लोग थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से मान लो टेम्पोरली क्लोज कर देते, एक्सटर्नल ओपनिंग टेम्पोरली क्लोज, ठीक है ना, 5-10 सेकेंड के लिए। इफ द पेशेंट कैन ब्रीथ, इफ द पेशेंट कैन ब्रीथ, देखेंगे 5-10 सेकेंड भी ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं ब्रीथ कर पा रहा है, हम लोग 24 घंटा छोड़ दिए, ठीक है ना। इफ द पेशेंट कैन ब्रीथ, हम लोग देखेंगे, अगर पेशेंट आराम से 24 घंटा तक
फॉर 24 आवर्स देन ट्रकियोस्टमी इज रिमूव्ड, ट्यूब इज रिमूव्ड। तो हम लोग ट्यूब को रिमूव कर लेंगे, 24 घंटा तो उसको तकलीफ नहीं है और वो आराम सांस ले पा रहा है, हम लोग हटा लेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कुछ ट्रकियोस्टमी के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।